नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं अंकिता। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कानपुर के फसलगंज में रिवेरिया गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई है। इसको बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशों में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर आग लगी, हालांकि वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो भीषण आग लगी है और आग बुझाने की जद्दोजहद में, मशक्कत में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। कानपुर का ये मामला है। फजलगंज में रिवेरिया गेस्ट हाउस में आग लग गई है। इसको बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो कानपुर के फजलगंज के रिवेरिया रोड का ये मामला है, जहां पर गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई है। आग के पीछे आखिर वजह क्या रही, ये अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन लाखों के नुकसान का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस कदर यहां पर आग लगी है, और ऐसे में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग को बुझाने की मशक्कत में, जद्दोजहद में लगी हुई हैं। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित अवस्थी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी अंकिता, मैं आपको बता दूं, ये रिवेरिया गेस्ट हाउस है। बहुत ही काफी करोड़ों की लागत से ये गेस्ट हाउस बना था। चार दिन पहले ही इसकी लॉन्चिंग हुई थी और इसका जो पूरा जो ढांचा है वो लकड़ी की नक्काशी से बना हुआ था, काफी वीआईपी गेस्ट हाउस से बना हुआ था। अचानक इसमें आग लग गई और आग की जो लगता थी वो इतनी भयंकर थी, क्योंकि लकड़ी की नक्काशी होने की वजह से जो आग थी वो और ज्यादा बढ़ गई और पूरा जो गेस्ट हाउस था वो जल के खाक हो गया। जब तक मौके पर दमकल की गाड़ियां आई तब तक सब कुछ यहां पर जल के राख हो चुका है। अब तक 10 गाड़ियां मौके पर आ चुकी हैं, आग को काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बराबर यहां पर दमकल की जो टीम है वो लगी हुई है। आग आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से यहां पर आग लगी हुई है, लगते हैं बराबर बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम है फायर ब्रिगेड का वो यही है, किसी भी तरीके से आग को काबू में पाया जाए, क्योंकि अगल बगल इंडस्ट्रियल एरिया है, अगल बगल में भी काफी कंपनियां फैक्ट्रियां हैं कि आग ये वहां तक ना पहुंचे। जी, लेकिन सुमित, क्या कुछ वजह यहां पर निकल कर आ रही है, कैसे यहां पर आग लगी, क्या वजह रही, क्या कारण रहे आग लगने के पीछे? देखिए, अभी यहां पर जो फायर ब्रिगेड की जो अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी जो जल्दबाजी होगा कि अगर ये बताया जाए कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किसी शरारती तत्व के द्वारा ये आग लगाई गई है, तो इसके पहलुओं की जाँच करके ही वो बता पाएंगे कि आग के कारणों का क्या रीजन रहा, कैसे आग लगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह गेस्ट हाउस जलकर खाक हो गया। जब तक दमकल की गाड़ियां आई तो यहां पर सब कुछ जल चुका है। जी चलिए सुमित, तो नजर बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर भीषण आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं जो आग को काबू पाने की मशक्कत में लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बैंकों के बाहर लाइन में लगने के बावजूद पैसे नहीं मिलने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। आजमगढ़ फूलपुर तहसील के अंबारी स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पैसे नहीं मिलने की वजह से लोगों ने अंबारी चौक पर जाम लगा दिया और करीब एक घंटे तक लखनऊ बलिया मार्ग को जाम कर दिया। लोगों ने बैंक मैनेजर पर धांधली करने का आरोप लगाया है। तो लोगों की परेशानियां, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में लोगों का जो गुस्सा है वो अब सातवें आसमान पर पहुंच गया। आजमगढ़ की ये हम खबर दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने बैंक मैनेजर के ऊपर धांधली का आरोप लगाया है और जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह से लोगों को शांत कराने की मशक्कत की। आपको बता दें कि नोटबंदी की वजह से लोग परेशान हो रहे थे और ऐसे में जो बैंक के मैनेजर हैं, जो बैंक कर्मचारी हैं, उनके ऊपर लगातार ढीला ढाला रवैया अपनाने का आरोप लगता रहा है, जिसने लोगों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। वहीं आजमगढ़ में इन लोगों ने बैंक मैनेजर के ऊपर धांधली का आरोप लगाया है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक वर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक, पूरा मामला क्या है? जी आपको बता दें, इन लोगों की बार बार शिकायत आ रही है कि जो वीआईपी लोग हैं उनको बैंक की ओर से प्रबंधक लोग मिल करके इस तरह से पैसे को अपना दे रहे हैं। उनका उनको जितना अमाउंट चाहिए उनको मिल जा रहा है, आम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक लाइन खत्म हो रही है तब तक पता चल रहा है कि उनके पैसे बैंक खत्म हो जा रहे हैं। और यहाँ लगातार हफ्ते भर से चल रहा है और करीब करीब
कल भी जाम किया गया, परसों भी जाम किया गया, आज भी आजमगढ़ वाराणसी मार्ग जाम रहा है, फिर आजमगढ़ लखनऊ मार्ग जाम रहा है, गंभीरपुर में लोगों ने जाम कर दिया है, और एक जगह तो सांसद जी जाकर रमाकांत यादवपुर सांसद भाजपा के पहुंच करके तब जाकर जाम समाप्त कराए हैं, वो उनके अंबारी में उनके घर के बगल में रोड जाम कर दिया गया जो लखनऊ मार्ग जाम हो गया था। तो इस तरह पूरे जिले में इस तरह हाहाकार मचा हुआ, जो नोटबंदी के एक महीने होने के बाद भी कोई समस्या हल निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ शहर में कुछ है जो व्यापारियों खाते हैं चावल, लेकिन आम जगह जब ग्रामीणों खाते हैं या इंटीरियर है या बाजार है, शहर छोड़ दीजिए, उसके बाद वो हालत है। शहर में भी एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, तो लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर आपकी लोगों से बातचीत भी हुई होगी, इन लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह का आरोप ये लोग लगा रहे हैं? ये सब लोग प्रबंधक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत की वजह से हो रहा है। सबका यह कहना है कि ये प्रबंधक जो है, जो मिले जुले लोग हैं, कुछ लोगों को मिल करके अपना नोट पहले से ही बदल दे रहे हैं या बांट दे रहे हैं। और कल भी इस तरह की बात हुई, कल तो थानाध्यक्ष पहुंच गए मौके पर और जाकर के उन्होंने कहा कि हमको डिटेल दीजिए कि पैसे कितने आए हैं, कहाँ कहाँ बांटे गए हैं। आज भी ग्रामीण इसी बात को इल्जाम लग, आखिर में समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही है? महीने बीत गए, उसके बाद भी कोई रास्ता निकल, और लाइनें लंबी होती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि लाइनें कम न होने की बात हो रही है, लाइनें लंबी होती जा रही है। शहर छोड़ दीजिए, ग्रामीण अंचल पूरा तरफ तबाह बर्बादी के कगार पर चल रहा है। शादी ब्याह में लोग परेशानी उठा रहे हैं, हर जगह लोग परेशानी उठा रहे हैं, और आजमगढ़ में तो प्रतिदिन यह काम हो रहा है। आज भी कम से कम 4-5 जगह रोड जाम किए गए हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल अशोक, तो फिलहाल भी ऐसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि जाम अभी भी वहाँ पर लगा हुआ है। बता देना कि सांसद जी रमाकांत यादवपुर सांसद जो भाजपा के हैं, कद्दावर नेता है, वो जाकर क्योंकि अंबारी उनके घर के बगल का मामला था, चौराहा जाम हो गया था, जिसके वजह से वही पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल राम नरेश जी का घर है, वो लोग उनके परिजन लोग पहुंचे हैं। राम नरेश जी अभी कुछ दिन बाद पहले मौत हो गई थी, उनके परिजन पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अशोक नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, संभल में नोटबंदी के बाद से हालात और खराब हो रहे हैं। धनारी थाना क्षेत्र के धनारी सर्व ग्रामीण बैंक पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बैंक से पैसा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने चंदौसी अलीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने हालात को काबू में किया। नाराज ग्रामीणों ने बैंक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संभल का ये पूरा मामला है, यहाँ पर भी ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर के ऊपर, बैंक कर्मचारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और परेशानी उठाते लोगों ने सड़क जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। हालांकि लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी भारी तादाद में वहाँ पर पहुँचा और किसी तरह से लोगों को समझाने बुझाने की मशक्कत में लगा हुआ है। दरअसल नोटबंदी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं बैंक अधिकारियों की वजह से उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चलो चलो हट जा हट जा हट जा।